गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास जो न्यूमेरिकल दिया गया था आपको हो गया, आगे बढ़े। चलिए, लास्ट क्लास आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बात बताई गई थी जो कि आपको याद रखना था, ग्राम इक्विवेलेंस ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस रिड्यूस्ड एट कैथोड। यानी कि एनोड पे कोई सब्सटेंस जितना इक्विवेलेंट ग्राम ऑक्सीडाइज होता है, कैथोड पे वो सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस हो, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। यानी कि अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं। चलिए, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फैराडेस फर्स्ट लॉ। फैराडे के दो लॉ हैं, हम दो लेक्चर में उसको कवर करेंगे। पहले लॉ में हमें एक लेक्चर लग जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ क्या होता है। पहले आप थ्योरी लिख लेंगे, आपके पीडीएफ में थ्योरी बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो पहले स्टेटमेंट ये लिख लेंगे, फैराडेस फर्स्ट लॉ हेडिंग डाल के आप ये स्टेटमेंट नोट करेंगे क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेस फर्स्ट लॉ, अगर हम फैराडे के फर्स्ट लॉ की बात करें, देन द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, कोई भी सब्सटेंस हो चाहे वो ऑक्सीडाइज हुआ हो या रिड्यूस हुआ हो, यानी कि वो डिपॉजिटेड हुआ हो कैथोड पे या फिर लिबरेटेड हुआ हो। लिबरेटेड का मतलब हाँ गैस बन के निकल गया हो। जब भी गैस बनेगी तो रिएक्शन में गैस बन या इलेक्ट्रोलिसिस में जब गैस बनती है तो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में आके मिक्स हो जाती है, इसलिए वहाँ पे लिखा गया लिबरेटेड। अगर कोई मेटल डिपॉजिट होता है इसलिए हमने लिखा वहाँ पर डिपॉजिटेड। एट एन इलेक्ट्रोड, हमने इलेक्ट्रोड इसलिए लिखा है ताकि कैथोड और एनोड दोनों की बात हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे इलेक्ट्रोलिसिस में कितना अमाउंट गैस रिलीज होगी या कितना अमाउंट कोई सॉलिड डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि मैंने कितनी करंट उसमें फ्लो कराई है। बात समझ में आ रही है, फैराडेस फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल। वो ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं आप, तो दो बातें होंगी, या तो कैथोड पे कुछ डिपॉजिट हो रहा होगा या फिर कोई गैस रिलीज हो रही होगी। अगर हमसे कहा जाए कि ये कितना रिलीज हुआ होगा गैस, या फिर अगर सॉलिड बना डिपॉजिट हुआ तो कितना ग्राम या उसकी मास बताइए कितना हुआ, तो किस पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि ये जो एक्वस आयंस हैं वो कितना रिड्यूस हो रहे हैं या कितना ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब इनके रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें कितना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पे। यानी कि सिंपली फैराडेस फर्स्ट लॉ ये कहता है, अब हम W लिखते हैं, W क्या है हमारा, मास ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज होने के बाद या रिड्यूस होने के बाद जो मुझे मास मिली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ट्रांसफर्ड इन दैट, यानी कि उसमें कितना चार्ज हमने ट्रांसफ़र किया, हमने मान लिया वो चार्ज कितना ट्रांसफ़र किया हमने Q। अब देखिए, जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, दैट इज W इज इक्वल टू हम लिख लेंगे इसको ना जेड, यहाँ देख लीजिए W इज इक्वल टू जेड ऑफ Q। ये सही से दिख नहीं रहा है, अच्छा चलिए हो जाएगा, W इज इक्वल टू जेड क्यू। यानी कि जब हम इस सिंबल को हटाते हैं तो हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज जेड। अब मैटर ये करता है ये जेड क्या है, देखिए
जेड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी एक दूसरा तरीका हम बताएंगे जहाँ पर डिराइव करेंगे ना, वो आसान है। ये छोटा है लेकिन वो आसान है, आपको हम दोनों बता देते हैं, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या मालूम चल गया, W इज इक्वल टू जेड क्यू। पहले फैराडेस फर्स्ट लॉ के हिसाब से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। फिर जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएंगे तो हमें एक नया टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज जेड, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब मुझे पता है कि क्यू चार्ज, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन टाइम टी। यानी कि क्यू के जब हम क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए W इज इक्वल टू जेड। अगर हम क्यू को हटा देते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई टी। बस ये है फैराडेस फर्स्ट लॉ। अगर हम बुक की माने तो बस इतना सा डेरिवेशन है इसका, कर सकते हैं। अब जो एक्चुअल हमारे काम का है, जो हमेशा हमें काम लेना है, वो हम इस फॉर्म में नहीं लेंगे, वो हम एक नया फॉर्म बनाएंगे और उसी फॉर्म में यूज करेंगे। आइए उसे डिस्कस करते हैं। देखिए ये है फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए ये चीज हमने पहले सीख रखी है, क्या है, ऑन पासिंग वन फैराडे चार्ज। पिछले लेक्चर आपने देखा था, जब हम एक फैराडे चार्ज पास करते हैं, हाँ, तो मुझे एक ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मिलता है। तो देखिए क्या दिया है, ऑन पासिंग वन फैराडे चार्ज वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस विल बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। वो नेचर पे डिपेंड करेगा कौन एनोड पे है, कौन कैथोड पे है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले वो कितना होगा एक फैराडे चार्ज पास करने पे, तो हमेशा हम कहेंगे जब भी एक फैराडे चार्ज पास कराया जाएगा तो उस केस में एक ग्राम इक्विवेलेंट या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो एक ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूस होगा। ऐसा दोनों एक एक ग्राम क्यों होगे, क्योंकि अभी इससे पहले भी हमने पढ़ रखा था कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरी चीज रिड्यूस भी होती है, कर सकते हैं। तो अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं ना, वन फैराडे गिव्स अस वन ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिख सकते हैं हम, वन फैराडे गिव्स अस वन ग्राम इक्विवेलेंट, यही है। अब वन फैराडे का मतलब कितना होता है, 96,500 कूलम्ब होता है कि नहीं, होता है ना। इसको वैसे वन ग्राम हमने छोड़ दिया। अब हम इसको, ये जो वन ग्राम आपको दिख रहा है इक्विवेलेंट मास, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करें, किससे, कैपिटल ई से। तो इसको हटा के हमने क्या रख दिया, ई। अब देखिए अगर मुझे 96,500 कूलम का वन ग्राम रिलेशन पता है, क्या मैं एक कूलम से निकाल सकता हूँ, क्या करना होगा, इसको इधर ला कर डिवाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा। जब आप इसको इधर से इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि हमें मिल गया E अपॉन 96,500। अब मैं क्या करूँगा, मैं Q कूलम्ब के लिए, Q का मतलब, हाँ, अब जितना भी चार्ज हो, अब हमने मान लिया क्योंकि चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभार स्मॉल Q से, तो आप यहाँ चाहें तो स्मॉल Q कूलम्ब लिख लीजिए या कैपिटल Q कूलम्ब लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। कैपिटल Q कूलम्ब अगर लिखेंगे, देखिए जब एक कूलम्ब था तो आपको इतना ग्राम इक्विवेलेंट मास मिला, मिला ना। जब आपको क्यू कूलम्ब होगा तो क्या करना होगा, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आपको मिल जाएगा। बात समझ आ गई, ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। कॉपर पे कितना मास इकट्ठा हुआ ये उसी, सॉरी कितना सब्सटेंस इकट्ठा हुआ ये उसी का मास है। चलिए आगे देखिए, हमें पता है कि मास ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड किसके इक्वल आएगा, अभी हमने देखा क्यू ई अपॉन 96,500। देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया ना, ये देखिए अभी हमने देखा कितना मास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड की वैल्यू आई, क्यू ई अपॉन 96,500। क्या हम लिख सकते हैं ई क्यू अपॉन 96,500, हमने क्या किया इनको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, इसको आगे इसको पीछे कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि आपको जेड दिख सके, क्या दिख सके,
जेड, हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए हम ई अपॉन 96,500 को, किसको, इक्विवेलेंट मास ई अपॉन 96,500 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन जेड, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अगर हम इसको हटा के जेड लिख दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इंटू क्यू, क्योंकि ये पूरा टर्म अगर आप हम हटाएंगे, सॉरी डब्ल्यू नहीं जेड, जेड इंटू क्यू मिल जाएगा। तो देखिए मास ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, कि मास को हम किसे रिप्रेजेंट कर लिए, डब्ल्यू वेट या मास, तो हमने क्या मिल गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, जहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, ई अपॉन 96,500, क्लियर है। फिर देखिए क्यू का फॉर्मूला क्या होता है करंट के टर्म में, आई टी, क्यू इजल टू आई इंटू टी, तो हमने क्यू को हटा के क्या लिख दिया, आई टी। तो देखिए सिंस क्यू इजल टू आई टी होता है, देयर फोर डब्ल्यू इजल टू जेड आई टी, ये तो वही पुराना वाला रिलेशन है क्या जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था, आ गया। लेकिन हम इसको इस फॉर्म में याद न रख के हम दूसरे फॉर्म में याद रखेंगे जो कि हमेशा हमारे काम आएगी, क्या है वो, देखिए डब्ल्यू इजल टू, अब ये जो जेड है एक्चुअली जेड किसकी वैल्यू है, ई अपॉन 96,500, क्या करते हैं हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल वैलेंट की वैल्यू को रख लेते हैं वापस से टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे हम इस ई के जेड के जगह पे लिख देंगे हम ई अपॉन 96,500, और क्या बचा, आई इंटू टी, आई इंटू टी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे टर्म्स का मतलब बताना चाहिए, डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, ई क्या है, हाँ इक्विवेलेंट मास है यहाँ पर ये, आई क्या है करंट, इसकी यूनिट किस में रहेगी, ग्राम में, इसकी यूनिट भी किस में आएगी, ग्राम में, आई करंट है ना, ये किस में रहेगा, एम्पियर, टाइम किस में लेंगे हम, हाँ सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, कुछ भी नहीं, नंबर की यूनिट थोड़ी होती है, नंबर तो यूनिटलेस होते हैं। तो हमें एक छोटा सा रिलेशन मिल गया, क्या मिला है, W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500, ये बात समझ में आ रही है। आइए इसे एक और फॉर्म बनाएंगे जो कि हमारे काम आएगा, देखिए हम W इज इक्वल टू अभी जो हमें मिला है वो लिख लेते हैं ई आई टी अपॉन 96,500। अब हमें ये बताइए E क्या है हमारा, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता था, हाँ मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, याद है ना। तो चलिए क्या हम ई की जगह पे इसको उठा के रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, तो चलिए आइए रखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हमारा मास, ई की जगह हम लिखेंगे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू आई टी इंटू 96,500। अब एक काम करते हैं हम इस मोलर मास को उठा के इधर लेके आएंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा W अपॉन मोलर मास, बन जाएगा ना, जब आप इसको राइट से लेफ्ट लेके आएंगे अपॉन में चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, आई टी अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 96,500 आएगा। अब ध्यान से देखिए ये W क्या है हमारा, मास, और ये क्या है हमारा मोलर मास, ध्यान से देखिए मास अपॉन मोलर मास किसका फॉर्मूला होता है, कुछ याद आ रहा है, हाँ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं मोल्स, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू आई टी अपॉन एन फैक्टर इंटू 96,500 लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं इसको भी यहाँ से उड़ा के इधर ले आते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा, ये नीचे से यहाँ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96,500, इसमें एक जीरो और है ना यहाँ पर लग लीजिए, बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया है इस एन फैक्टर को बुढ़ा के इधर लेके आया, तो ये क्या हो गया मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो इधर क्या बचा आई टी अपॉन 96,500 बचा, क्या हमें ये रिलेशन भी याद रखने की ज़रूरत है,
मेरे कैलकुलेशन में ये बड़ी काम आएगा। कह सकते हैं जब भी मुझे किसी भी गैस की वॉल्यूम निकालना हो या पूछ ले कि कितना बना, तो हमें क्या करना होगा, पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोल्स निकाल लेंगे तो फिर हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मोल्स निकालना जरूरी है ना। जब भी हमें मोल्स निकालना होगा तो हम यही टर्म यूज क्या करेंगे, मोल्स इंटू मोल्स एन फैक्टर इक्वल टू आई टी अपॉन 96500। ये तो हो गया होगा, आपने कर ही लिया है। अब ये वाला पार्ट जो आपको अच्छे से विजिबल नहीं था, वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये पार्ट एक्स्ट्रा है ना, ये नहीं रहेगा यहाँ पर, ये ऊपर का पार्ट बेवजह कॉपी हो गया। कर सकते हैं, देखिए लास्ट में क्या आएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96500। आइए, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन कराया नहीं और होमवर्क दे रही है, परेशान मत होइए, इसका नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, आप घर पर ट्राई करेंगे आराम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है दिया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम, कितना टाइम लगेगा फॉर अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। करंट कितना दिया है, 8 एम्पियर टू डिपॉजिट 394 ग्राम। देखिए हमें क्या क्या मिला है, आई दिया है 8 एम्पियर, डिपॉजिटेड मास दिया है 394 ग्राम, और देखिए क्या दिया है, फ्रॉम एन एक्वस AuCl4, ठीक है, यानी कि AuCl4 के इलेक्ट्रोलिसिस से मुझे क्या मिला है, गोल्ड, कितना, 394 ग्राम, ठीक है। अल्सो कैलकुलेट, ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट को कर लेते हैं फिर हम सेकेंड पार्ट को डील करते हैं। मोलर मास ऑफ गोल्ड आपको दिया गया 197, सेवन ग्राम पर मोल, या 197 लिख लीजिए। बताइए फॉर्मूला क्या है, हाँ, मास इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500। देखिए मास आपको पता है कितना दिया है, हमें क्या निकालना था, टाइम ना, ठीक है, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास आपको दिया है 394 ग्राम, तो आपने यहाँ लिख लिया 394 इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास निकालना होगा आपको, किसका, गोल्ड का। तो देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ गोल्ड कितना है, 197 अपॉन एन फैक्टर ऑफ गोल्ड। अब तो आपको देखना पड़ेगा एन फैक्टर ऑफ गोल्ड कितना आएगा, चलिए आइए देखते, AuCl4 में, ये AU है ना, AuCl4 में हमें क्या मिलेगा, AU पर 4+ मिलेगा ना, तो बताइए ये होगी रिएक्शन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब Au4+ 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। यहाँ से हमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने की जरूरत है, बताइए कितना है, 4। अब हम क्या निकाल लेंगे, एन फैक्टर ऑफ गोल्ड, हमें इसका एन फैक्टर चाहिए, तो बताइए क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 4 डिवाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट, इससे स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, तो बस एन फैक्टर की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख देंगे, ये क्या हो गया, ठीक है, 294, सॉरी ये तो साफ साफ देख ही नहीं रहा ना, रुकिए घबराइए नहीं, देखिए हाँ इक्विवेलेंट मास हम निकाल रहे थे, यहाँ निकाल लेते हैं, मोलर मास इज 197 एंड एन फैक्टर इज 4, यानी कि 197 अपॉन 4 आएगा। चलिए वेट आपको पता है 394, ई की वैल्यू आपको पता है 197 अपॉन 4, अपॉन 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे,
इंटू आई, करंट की वैल्यू आपको पता है कितना दिया गया है, 8 इंटू 96500 इंटू, और क्या हमारे पास टाइम यानी कि टी, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए क्या कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ 4 2 8, इसको इसको मल्टीप्लाई करिए देखिए कितना आएगा, 394 इज इक्वल टू, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 197, तो ये भी हो जाएगा 394 इंटू टी अपॉन 96500। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जब LHS और RHS के पार्ट हैं और दोनों टॉप टॉप होते हैं तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने इसको कैंसिल किया, ये क्या बन गया 1, ये भी बन जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना मिलेगा आपको 96500, और 1 इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी यानी कि टाइम मिल गया आपको कितना 96500 सेकेंड्स। आपका फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है, सिंपल सा था, बस वैल्यू जुड़ा के रखनी थी और सॉल्व कर देना है, कर सकते हैं। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज गिवन, अल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस दैट विल बी इवॉल्व्ड एट एनोड एट 1 bar and 273 Kelvin। इसका मतलब मोलर वैल्यू हमें कितना लेना है, 22.7 लीटर, हाँ ठीक है। तब हमसे कह रहा है कि आप हमें कैलकुलेट करके बताइए कि क्लोरीन गैस एनोड पे कितनी बनेगी, ये करना है ना, ठीक है आइए। अब अगर आपको इतना पता है कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑक्सीडाइज्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस रिड्यूस्ड, तो आप इस रिलेशन को यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंस ऑक्सीडाइज होता है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूस होता है। अब गोल्ड वाले में ऑक्सीडाइज कितना हुआ आपको पता चल गया, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, हाँ होता है ना गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, तो इसको कैलकुलेट करिए देखिए, गिवन मास आपको गोल्ड का कितना मास दिया गया था 394 ग्राम, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास कितना आया था 197/4। अच्छा इसके अपॉन का 4 की वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर लिख लीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये देखिए 2 times में कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि हमें ये वैल्यू पता है 8 है, तो हमें ये भी पता है कि ये वैल्यू भी 8 ही आएगी, आएगी ना। अभी बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के लिए एक फॉर्मूला तो आपको सिखाया गया था, ये वाला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और एक फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, हाँ क्या था वो, मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो आप इसको क्या लिख लीजिए, मोल्स इंटू एन फैक्टर, ये तो आपका 8 आ गया, इसको 8 रहने दीजिए। मोल्स किसके होंगे यहाँ पर, क्लोरीन के, यानी कि हमने लिख लिया एन सी एल टू, मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन गैस, देखिए जब आपको क्लोरीन गैस लेना है, देखिए आपको सी एल माइनस होगा एक्वस फॉर्म में, इसको जब क्लोरीन गैस बनाते हैं, यहाँ पे एक एटम यहाँ 2 एटम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्लोरीन गैस के लिए आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब 2 क्लोरीन आयन है आपके पास नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, एक एटम पे 1, 2 पे 2, -2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इस -2 को उधर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि ये रिएक्शन मिलेगी हमें, मिल सकती है ना। यहाँ से आप हमें बताइए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वैल्यू कितनी है 2, अब हमें बताइए एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन गैस, एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस की एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, क्या होता है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, क्लोरीन गैस का कोफिशियंट कितना है 1, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2, ये पता चल गया आपको, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख लीजिए, ये हो गया 2, अब क्या करिए इससे इसको डिवाइड कीजिए कितना आ गया 4, यानी कि अभी आपको मालूम चल गया मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस कितना आएगा 4, इतना मालूम चल गया ना। जब अगर आपको ये पता चल गया
तो अब आप वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस निकाल सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस के लिए क्या करते हैं हम, मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि आप वन बार पे बात कर रहे हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 22.7 लीटर से। ये वैल्यू आई 4 × 22.7 लीटर। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 88 and 28, यानी कि 90.8 लीटर क्लोरीन गैस तो रिलीज होगी। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात? आइए आंसर देख लीजिए। यहाँ तो है ही नहीं, हाँ ये रहा हमारा आंसर, दैट इज 90.8 लीटर। अब आपको सेम टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है, आप आराम से बैठ कर ट्राई करेंगे, हो जाएगा। कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंथी हो सकते हैं, बट उतनी कैलकुलेशंस तो आपको करनी आनी चाहिए। कर सकते हैं, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड, यानी कि करंट आपको दे दिया गया कितना है, 5 एम्पियर। I इज गिवेन 5 एम्पियर थ्रू एसिडिफाइड वाटर। हाँ, एसिडिफाइड वाटर का मतलब वो नॉर्मल वाटर है जिसमें H+ और OH- की कंसंट्रेशन होगी, फॉर 30 मिनट्स। टाइम दिया है 30 मिनट्स, ध्यान रखना है ये किसमें दिया है, मिनट्स में, लेकिन हमें टाइम किसमें चाहिए होता है, सेकेंड में। हम टाइम को क्या करेंगे, 30 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 30 × 60 कितना आ जाएगा, 1800 सेकेंड्स। और देखिए हमें क्या करना है, वेट ऑफ H2 कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस। तो हम पहले वेट ऑफ H2 कैलकुलेट कर लें। अब देखिए H2 के लिए हमें क्या करना होगा, रिएक्शन लिखना होगा, चाहे तो आप लिख लीजिए, कैथोड पे वाटर का रिडक्शन हो रहा होगा क्योंकि इसमें तो वाटर ही है, सिर्फ वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है। तो अगर आप वाटर के रिडक्शन का रिएक्शन लिखें तो क्या होगा, 2H2O लिक्विड चेंजेस टू H2 गैस एंड 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन फॉर्म ऑफ एक्वस। ये होता है रिडक्शन ऑफ वाटर का फॉर्म रिएक्शन, होता है ना। चलिए यहाँ से बताइए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वैल्यू कितनी है, 2। अब हमें n फैक्टर किसकी जरूरत पड़ेगी, अभी तो हम किसको निकाले जा रहे हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमें n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ से वो भी निकाल लेते हैं, n फैक्टर ऑफ H2 गैस। अरे ये क्या होगा, 2 अपॉन हाइड्रोजन गैस का कोफिशेंट कितना है, 1, यानी कि 2 अपॉन 1 कितना आ गया, 2। कर सकते हैं, चलिए अगर आप ये कर लिए तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए, देखिए वेट ऑफ H2 गैस फॉर्मूला क्या होता है, EIT इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन गैस × I × T/96500। देखिए इक्विवेलेंट मास भी निकालना होगा, निकाल लीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकालते हैं। हाँ, जब इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो मोलर मास, तो देखिए हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया आपका, 2, दो एटम है ना, H2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई n फैक्टर H2 का भी आप निकाल रखिए कितना है, ये भी 2 डिवाइड कर देंगे कितना बन गया, 1। यानी कि आपको इक्विवेलेंट मास पता है 1, करंट की वैल्यू दी हुई है कितना है, 5 एम्पियर, एंड टाइम ऑल्सो यू हैव कैलकुलेट दैट इज 1800 सेकेंड्स / 96500 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 5 6 को भी कैंसिल करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 193, ठीक है ना, 19315, यस। यानी कि हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 18 upon 193। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना आएगा, आप वैल्यू कैलकुलेटेड है, आप वहाँ से देख लीजिए, देखिए
देखिए ये वैल्यू आएगी आपका 18/193 की सॉल्व करने पे 0.09 ग्राम, कितना आएगा 0.09 ग्राम। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, एंड सॉरी ये गलत है, यहाँ पर ओ टू गैस रहेगा ना, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन गैस तो मिल ही नहीं सकती, हमें क्या मिलती है ऑक्सीजन गैस, तो मिस प्रिंट आप उसको सही कर लेंगे ना, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस होगा। अब हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालना है, क्या करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालना है। तो अब क्या करिए, ऑक्सीजन गैस कब मिलेगी, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, तो आप उस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए, H2O लिक्विड गिव्स अस O2 गैस प्लस 4H+ इन एक्वस फॉर्म प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है, सब बैलेंस हो गया ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे गैस ले जाएगा O2 गैस। अब हमें यहाँ भी वही सारी चीज़ें निकालनी होगी, पहले काम नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है यहाँ पर 4। अब हम क्या करेंगे, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, बताइए n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, यानी कितना आ गया 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ठीक है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, आ गया हाँ, वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये कौन सा पेज आ गया, कहाँ गया वो पेज, अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.09 ग्राम, इसको आप यहाँ लिख लीजिए, ओके ओके दिस इज, दिस इज 0.09 ग्राम, ये आपको मिल गया मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आप क्या करिए, अब फॉर्मूला लगा लीजिए, देखिए क्या होता है, जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज होता है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, तो हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइज्ड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूस्ड, तो हमें ऑक्सीडाइज का तो खैर पता नहीं है, लेकिन रिड्यूस का निकाल सकते हैं, कैसे क्या होता है फॉर्मूला, हाँ होता ना, गिवन मास, मास कितना आया हमारा 0.09 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था 1, फॉर्मूला ये तो ना ग्राम इक्विवेलेंट का, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये हो गया। अब ये हमें निकालना है, देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हाँ यहाँ से इसको मोल्स वाला फॉर्मूला लगा ले, क्योंकि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें मिल जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, हम यहां से लिख लेंगे मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीडाइज होने वाला O2 है, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ O2। अब देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें नहीं पता, हम NO2 लिख सकते हैं, इनटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था कितना आया था, सॉरी मोल्स नहीं है ये n फैक्टर है, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना आएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.09। अब एक काम करते हैं, हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालना है, तो 4 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.09/4, इसको सॉल्व करके ऊपर लिख लेते हैं, हमें मिल गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसको डिवाइड करिए, देखिए 0.0, 4 2 8, अगेन 4 2 8 एंड 4 5 20, ये आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, देखिए किस पे दिया है, STP पे दिया है, कैसे, वन बार पे, यानी कि हमें क्या लेना है 22.7 लीटर, तो बस ये क्या हो गया 0.0225 था ना, इंटू 22.7, इसको आप सॉल्व कर देंगे
आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हाँ कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस ये आएगा 0.0225। अब वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस निकालने के लिए 22.7 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको मिल जाएगी आंसर 0.51 लीटर। एक तो ये तरीका हो गया जो कि बिल्कुल बेसिक सा आपको पिछले लेक्चर में सिखाया गया था, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइज होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स रिड्यूस होंगे। अच्छा एक और छोटा सा तरीका है, अगर आपने वो फॉर्मूला याद रख लिया तो फिर ये काम आप चुटकियों में कर सकते हैं। चुटकियों का मतलब हाँ बहुत ही आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। देखिए आज जो हम फर्स्ट फैराडेस लॉ पढ़ रहे थे उसमें हमने एक फॉर्मूला ये डिराइव किया था और हमने कहा था आप इसको याद रखेंगे तो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। क्या था, मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आईटी अपॉन 96500। आप चाहें तो एक बार देख लें, देखिए मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आईटी अपॉन 96500। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये काम और आसानी से हो जाता। देखिए कैसे, चलिए ये फॉर्मूला है, हमें किसके मोल्स निकालने हैं बताइए, क्लोरीन के ना, सॉरी ऑक्सीजन गैस के। हम यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, फिर एन फैक्टर भी किसका लेंगे, ऑक्सीजन गैस का कितना आया था 4 आया था, इज इक्वल टू आई, करंट आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर, टाइम आपने निकाल रखा है 1800 सेकेंड्स अपॉन 96500। इसको सॉल्व कर देंगे फिर तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ O2 इंटू 4 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब देखिए 4 और ये 18 2 से दोनों डिविजिबल हैं, इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर दे इसको 9 टाइम्स में, फिर आपको मिल जाएगा मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 193 इंटू 2। ये मिल गया आपके मोल्स, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करेंगे इसी मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका 22.7 लीटर का, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा कितना 0.52 लीटर। ऊपर 0.51 आया था, यहाँ 0.52, वो डेसिमल में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती है। तब आप सोच लीजिए कि आप ग्राम इक्विवेलेंस का रूल लगाना चाहेंगे, वो क्या कहता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंस ऑक्सीडाइज होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस रिड्यूस होगा। तो आप वो कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल, उसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए और इस फॉर्मूले से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन, देखिए और कॉन्स्टेंट करंट ऑफ 30 एम्पियर इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर 1 आवर। एक घंटे के लिए सोडियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन से 30 एम्पियर का करंट फ्लो कराया गया। डेटा लिख लीजिए, वी हैव I इज इक्वल टू 30 एम्पियर, टाइम कितना 1 आवर, 1 आवर को सेकेंड में बना लीजिए तो देखिए 60 मिनट यानी कि 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब ये एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया। आप बताइए NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन याद है, चले लिखिए तो फिर 2 times ऑफ NaCl एक्वस, तो यहाँ चले नहीं रहा है, 2 times ऑफ NaCl एक्वस रिएक्ट्स विथ वाटर एंड गिव्स अस 2 times ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में यानी कि अल्कली फॉर्म में, प्लस इट गिव्स अस क्लोरीन गैस प्लस, ठीक है और क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस, दैट वी आर गोइंग टू गेट इज हाइड्रोजन गैस। ये है रिएक्शन, और देखिए क्या डेटा दिया गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH, यानी कि हमें बताना है कि NaOH का कितना मास मिलेगा हमें, यानी कि वेट ऑफ NaOH निकालना है, निकाल लीजिए। अब वेट ऑफ NaOH निकालने के लिए फॉर्मूला भी NaOH के लिए लगाना पड़ेगा। देखिए क्या था, EIT था ना, अब E हम किसकी वैल्यू लेंगे, NaOH की, इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। तो देखिए अब इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH निकालने की रिक्वायरमेंट है, निकालिए इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH
निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ NaOH वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 40 आएगा, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, 39 प्लस हाइड्रोजन 1 40 डिवाइडेड बाई N फैक्टर चाहिए। अब दी सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na प्लस होगा और OH माइनस होगा, अगर आप Na प्लस वाला चार्ज लेंगे तो भी 1 आएगा, OH माइनस वाला लेंगे तो भी 1 आएगा, यानी कि N फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 40 ग्राम। इसको उठा के यहाँ रख लीजिए, ये बन गया हमारा 40 इंटू करंट की वैल्यू दिया हुआ है ना 30 एम्पियर, टाइम इज 3600 सेकेंड्स अपॉन 96500। ये देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करिए देखिए कितना बन जाएगा, 4 3 या 12, 12 6 या 72 एंड 36 743, 432 और 00 अपॉन 965, ये आ गया आपको मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, 900 है ना, 400 यानी कि 0.5 50 के आसपास, यानी 50 ग्राम के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेट करके आप देख लेंगे कितना मिल रहा है आपको, कैलकुलेट करके देखना क्या है, यहाँ पे आप कैलकुलेट किया होंगे, अब वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, देखिए यही रिलेशन आया था 4300 अपॉन 965, इसकी वैल्यू आती है 44.76 ग्राम, क्या आता है 44.76 ग्राम, तो ये मिल गया आपको। अब आप उसके बाद क्या करिए, अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता है, अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑक्सीडाइज्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस रिड्यूस्ड, ग्राम इक्विवेलेंस रिड्यूस्ड। अब अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास जानते हैं तो उसका फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, देखिए मास कितना है आपका, कैलकुलेट कीजिए ना, 40 पॉइंट समथिंग कितना आया था, कहाँ गया वो तो लिखे ही नहीं है हम, चलिए यहाँ से 44.76 ग्राम, तो आप यहाँ लिखेंगे 44.76 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का उतना ही आया था 40 ही, इसको डिवाइड करिए देखिए कितना आएगा, इस विल बी 1.1719, ये वैल्यू आ गई आपकी 1.19, यानी कि 1.19 इज इक्वल टू ये बन जाएगा। अब क्योंकि आपको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस निकालना है या ऑक्सीजन गैस, सॉरी इसमें तो क्लोरीन गैस पूछा होगा ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ क्लोरीन गैस पूछा है, तो देखिए फॉर्मूला बताइए इसके लिए हम कौन सा यूज करें, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, मोल्स वाला, यानी कि मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर लगाइए, देखिए ये तो वैल्यू है 1.19, मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस हमें निकालना है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा क्लोरीन गैस का एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 2, अगर नहीं याद है तो आप देख लीजिए, यहाँ करते हैं, क्लोरीन गैस Cl- माइनस चेंजेस टू Cl2 गैस, यहाँ दो एटम है, यहाँ भी दो एटम करना होगा, अब तो यहाँ पे कितने चार्ज है टोटल, दो नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब देखिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या है, कितना, 2। अब n फैक्टर ऑफ Cl2 कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Cl2, Cl2 का कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी कि 2 आ जाएगा, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, ये 2 हो गया। अब यहाँ से हमें मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस निकालना है, इस 2 को उठा के इधर लेके आएंगे क्या बन जाएगा, 1.19 अपॉन 2, आप पूरा कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ जाएगी मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.5 ये आ गया मोल्स। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये 1 bar पे निकालना है हमें या 1 atm पे, हमें निकालना है 1 atm पे,
180 एम यानी कि 22.4 लीटर पे, तो क्या करेंगे हम इसको 0.595 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 0.59 का मतलब लगभग 6 के अराउंड है, और अगर आप 0.6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 13 लगभग 13 लीटर के आसपास आंसर आपका आ जाएगा। आंसर यहाँ कैलकुलेट करके दिया होगा, आप देख लीजिए। ये देखिए हमारी वैल्यू, अच्छा ये मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस हमने वहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी थी, वो वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 1.119। तो आप करेक्शन अपने हिसाब से कर लेंगे, आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.5595 और आपको ये वैल्यू मिलेगा 12.53 लीटर। कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो अभी हमने आपको बताया था फॉर्मूला वाला, जो सिंपल सा है, क्या था, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96500। यही था फॉर्मूला। हमें किसके लिए निकालना है, क्लोरीन के लिए, तो हम निकलेंगे मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इंटू एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन गैस कितना आएगा, 2। आई की वैल्यू दिया है देखिए कितना, 50 या 30, यहाँ लिख लिया हमने 30 इंटू टाइम हमारा कितना आया, 3600 सेकेंड्स अपॉन 96500। ये देखिए 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 है ना, 2 से इसको उड़ा दीजिए, देखिए कितना हो गया 15। यानी कि आपको यहाँ से मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस मिलेगा 15 × 36, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 15, पहले इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 5 × 3 = 15 एंड दिस विल बी 193। तो ये हो गया 3 × 36 यानी कि 108 अपॉन 193। ये वैल्यू किसकी है, मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस की। हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। तो हम क्या करेंगे, 108 यानी कि जो मोल्स आए हमारे अपॉन 193 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आप हमें मिल जाएगा। आप चाहे तो करके देख ले, देखिए क्या है, 108 डिवाइडेड बाय 193, दैट इज इक्वल टू 0.55 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू 12.53 लीटर। देखिए कितना आएगा, 12.53 लीटर। ये वैल्यू भी उतनी ही आई है, ये 12.5328 लीटर। कर सकते हैं, तब आपको दोनों ही चीज़ सिखा दी गई, एक तो फॉर्मूला से भी और एक कॉन्सेप्ट से भी। आप चाहे फॉर्मूला यूज करके करिए या कॉन्सेप्ट करके। एक चीज़ और, क्योंकि ये टर्म बिल्कुल नया है आपके लिए, तो थोड़ी सी तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आइए एक छोटा सा और टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट एफिशिएंसी। अब करंट एफिशिएंसी की क्या मतलब है, देखिए जैसे ही अगर आपके घर की स्कूटी है, बाइक है या कुछ भी है, या फिर जिस ट्रांसपोर्ट से आप आते हैं, आप उनके ड्राइवर से कभी भी बात करके पूछें, पापा से, किसी से भी पूछ लें, तो एक चीज़ आपको मालूम चलेगी, जो हम गाड़ी चलाते हैं ना उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है, वो हमें बताता है कि हम स्पीड कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, या वो हमें ये भी बताता है कि हमारी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी जा सकती है, जाता है ना मैक्सिमम। अब जो उस पर मैक्सिमम होता है, आप पहली बात तो ये ट्राई नहीं करना है, अगर आप किसी से भी पूछें तो वो वैल्यू कभी भी अचीव नहीं होती। यानी कि अगर मेरे बाइक पे मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, और अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये उतना काम करती है कि नहीं, तो जब भी हम चेक करेंगे हमें वो कभी भी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं मिलती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बताया गया था या जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी कि जब मैंने उसको खुद चेक किया तो वो वैल्यू 120 नहीं आई, जबकि थ्योरेटिकल वैल्यू जब कैलकुलेशन किया गया, बनाया गया इंजन, उसकी पावर, उसकी हर चीज़ कैलकुलेट की गई, तो वहाँ से वो वैल्यू कितनी आ रही थी, 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि मेरे
स्पीडोमीटर के रीडिंग में पहले से है। ये वाली जो वैल्यू है दिस इज आवर थ्योरेटिकल वैल्यू, दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब ये वैल्यू आनी चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। हाँ, जब कोई भी गाड़ी डिजाइन की जाती है तो उसके इंजन्स के हॉर्स पावर वगैरह वगैरह सब कैपेसिटी के बेस पे इसको डिसाइड किया जाता है कि ये मैक्सिमम कितनी स्पीड दे सकती है, तो कैलकुलेट की जाती है। जैसे आप कैलकुलेट करते हैं ना कि आपने इतना इतना सब मिलाया तो आपको इतना ये मिलेगा, वैसे जब कैलकुलेशन से किया गया तो हमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलनी चाहिए। लेकिन जब मैंने खुद उसको एक्सपेरिमेंट किया, मैंने खुद उसे चलाना शुरू किया, तो कभी भी मुझे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं मिली। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हम बैटरी लगाते हैं डीसी सोर्स की, उससे क्या करते हैं हम करंट पास करते हैं। तो हम कहते हैं ना 5 फराडे चार्ज हमने किया, फिर 4 फराडे किया। तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं जितना चार्ज अपनी बैटरी से पास करा रहा हूँ उसको मिल रही होगी? नहीं मिल रही होगी ना। हाँ, यानी कि जो चार्ज मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से पास हो रही है दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में जो मिल रही है उसको काम की दैट इज एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब हमें ये बताइए, क्या कभी भी पॉसिबल है कि एक्चुअल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए? नहीं, नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम एक बैटरी लगाएं जो कि 5 एम्पियर करंट पास कर सकती है मान लीजिए, तो वो मैक्सिमम 5 एम्पियर ही देगी। अगर हम रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ चेक करें तो हमेशा 5 एम्पियर से उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन उसकी वैल्यू कभी भी 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हम थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है। तो जब हम एफिशिएंसी का मतलब किसी चीज़ की कैपेसिटी, आपने कहा कि आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिया 10 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, तो जरूरी तो नहीं कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। हो सकता है आपने 9 क्वेश्चन से सॉल्व किए हों, तो देखिए आपकी एफिशिएंसी फिर 90% है। 10 में से 9 क्वेश्चन आपने किया यानी कि आपकी एफिशिएंसी 90% है। आपको पढ़ाया सब गया था लेकिन क्वेश्चन आपने 9 अटेम्प्ट किए यानी कि आपकी एफिशिएंसी 90% है। तो एफिशिएंसी होती है कि जितना आपको सिखाया गया या जितना आपसे उम्मीद की जाती है उसमें आप कितना कर पाते हैं, उसमें आप कितना कर पाते हैं। तो आइए देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम करंट एफिशिएंसी को। इट कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह चार्ज जो कि यूज हुआ यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक्चुअल उसको मिला, एंड द चार्ज सप्लाइड, और वो चार्ज जो मैंने दिया, मान लीजिए मैंने बैटरी लगा के 10 एम्पियर करंट पास कराया लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ उसको कितना मिला? 8 एम्पियर। अब इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि वो 10 से 8 या 10 से 9 या 10 से कम क्यों होता है। बहुत सारे रीजन्स हैं, उसमें रेजिस्टेंस है, नेचर ऑफ द वायर है, बहुत सारी चीज़ें आती है, रेजिस्टिविटी है, सब आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ रखा होगा और थोड़ी बहुत आपकी फिजिक्स चल रही है वहाँ पढ़ रहे होंगे या फिर आगे चल के पढ़ जाएंगे। रेजिस्टेंस के बारे में तो सबको क्लैरिटी है, रेजिस्टेंस की वजह से जितना आप करंट पास करते हैं उतना करंट आपको कभी नहीं मिलता, एक रीजन तो ये हो गया। अब देखिए इस केस में अगर हमसे पूछ लिया जाए करंट एफिशिएंसी क्या होगी, तो हमेशा हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। किस में? परसेंटेज में। तो परसेंटेज करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? कितना एक्चुअली आपको मिला एक्सपेरिमेंटली? 8 एम्पियर। कितना आपको मिलना चाहिए था कैलकुलेशन के हिसाब से? 10 एम्पियर। क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 80%। ये है इसकी करंट एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई? कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, कई बार आपसे क्या होगा, ये मास में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज करंट एफिशिएंसी को आप मास में डिफाइन कर सकते हैं। बताइए ऊपर हम किसको लिखेंगे, जितना मास मुझे एक्सपेरिमेंटली मिला या जितना मिलना चाहिए? हाँ, ऊपर हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल मास, यानी कि जब मुझे एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस से मिला दैट इज एक्सपेरिमेंटल मास अपॉन, नीचे कौन सी मास लिखेंगे, जो मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए दैट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, या फिर आप कह सकते हैं कैलकुलेटेड, जो मैंने कैलकुलेट किया, या फिर थ्योरेटिकल, आप इसको
थ्योरेटिकल टर्म भी नाम दे सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि आप परसेंटेज डिफाइन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है? तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस बेस पे। देखिए डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में भी कुछ है नहीं, आपको ये बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला तो अपने आप हो जाएगा। चार्ज यूटिलाइज, एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस को कितना चार्ज मिला अपॉन चार्ज सप्लाइड, कितना आपने बैटरी से उम्मीद की यानी कितना आपने दिया, मल्टीप्लाई बाई 100, या परसेंटेज करंट एफिशिएंसी की वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ सब्सटेंस, एक्सपेरिमेंट में आपको कितना मास मिला अपॉन थ्योरेटिकल मास ऑफ सब्सटेंस, कितना आपको मिलना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाई 100। कर सकते हैं, तो चलिए आइए। मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ निकल, हमें निकल का मास निकालना है, डिपोजिटेड ऑन पासिंग 38.6 एम्पियर करंट, करंट आपको दिया गया 38.6 एम्पियर थ्रू निकल आयन फॉर 5 मिनट्स, यानी कि हमें निकल आयन दिया गया है Ni2+ एक्वस फॉर्म में, इससे पास कराया गया है, टाइम दिया गया 5 मिनट, 5 मिनट्स के यानी कि 300 सेकेंड्स, हमें तो सेकेंड में चाहिए, और क्या दिया देखिए, ठीक है, विथ 60% करंट एफिशिएंसी, यानी कि हमें करंट एफिशिएंसी दिया हुआ कितना 60%, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी इज गिवेन 60%। तो पहले हम क्या करेंगे, हम अपना कैलकुलेट करेंगे, मुझे जितना मिलना चाहिए नॉर्मली, मुझे जितना मिलना चाहिए उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ निकिल इज, हाँ, EIT यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ निकिल मल्टीप्लाइड बाई करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम अपॉन 96500, यही है फॉर्मूला, वैल्यू उड़ा के रखिए। देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें इक्विवेलेंट ऑफ निकिल चाहिए, पहले निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट ऑफ निकिल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ निकिल दैट इज 58 अपॉन, क्या चाहिए हमें, एन फैक्टर चाहिए, अब तो गड़बड़ हो गया, तो चलिए एन फैक्टर देखते हैं, निकिल 2+ से निकिल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वैल्यू 2 आ गई, हमें एन फैक्टर ऑफ निकिल चाहिए, तो देखिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाई इसका कोफिशियंट कितना है 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2, इसको 2 से डिवाइड करिए, देखिए कितना मिल गया आपको 29, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख लीजिए, दिस इज 29 मल्टीप्लाइड बाई करंट दैट इज 38.6 एम्पियर, अच्छा 38.6 को हम 380/10 लिख ले, क्या लिख ले कैलकुलेशन के लिए, टाइम मुझे पता है कितना है 300 सेकेंड अपॉन 96500, तो पहले ये 00 से 00 कैंसिल कर लीजिए, और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल होगा 193 के टेबल में, हाँ ये कैंसिल होता है 2 टाइम्स में और ये कैंसिल होता है 5 टाइम्स में, आप करके देख लीजिएगा, 193 × 2 = 6 18 3 386 आ गया, अब 196 3 के टेबल में 5 से भी चेक कर लीजिए, तो 5 × 3 = 15 45 46 and 9, यानी कि 193 के टेबल में ये दोनों आते हैं, ये 2 टाइम्स में आता है, ये 5 टाइम्स में आता है, और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, चलिए ये 5 है ना, इसको किसी और को कैंसिल कर लीजिए, देखिए ये कितना है, इसको बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 5.8 टाइम्स, ठीक है, और इस 10 से क्योंकि अभी ये 3 बचा है इसको बना लीजिए 0.3, सबको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 × 0.3 कितना हो जाएगा 0.6 × 5.8, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.6 × 0.58, इसको सॉल्व करिए 6 × 48, 6 × 5 = 30, 34 डेसिमल 3 पार्ट्स लगेंगे यानी कि 0.348 ग्राम। एक बात ध्यान रखना है, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कि ये आपने थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट किया कि आपको इतना मिलना चाहिए, लेकिन आपको इतना मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा आपको, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मास
जो आपको मिलेगा वो कितना होगा, सिर्फ 60% ही होगा। क्यों? क्योंकि करंट एफिशिएंसी कितनी थी, 60% एक्चुअल मास का। एक्चुअल मास कितना है, 0.348 ग्राम। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 6 8 जा 48, 24 26 एंड 18 19 20, ओके, अपॉन 100। ये 60 अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटा देंगे तो। इसको सॉल्व करेंगे पर यहाँ पर डेसिमल है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 करके कुछ समथिंग आ जाएगा, हाँ 0.020 या फिर 0.02 ग्राम आ जाएगा। कैलकुलेशंस आप देख लेंगे, तरीका मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। सॉल्यूशन आपको यहाँ से लिखना भी नहीं है, सॉल्यूशन तो आपको पीडीएफ में दिया गया है। देखिए कैलकुलेशन कहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ रहा होगा, आप कैलकुलेशन को एक बार जरूर वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पे मिसिंग है ना, आप इसको सही कर लीजिएगा। 2 3 6 एंड 6 5 30, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके सही से कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है ना, मिसिंग है, कर सकते हैं। हाँ पीछे हमने किया भी था, आप चाहें तो वहाँ से कर लीजिएगा या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। कहाँ गया ये, हाँ सॉरी, क्योंकि आपकी ये वैल्यू बदल रही है इसलिए आपकी ये वैल्यू भी दूसरी आएगी, ये दूसरी आएगी तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। तरीका आपको हम समझा दिए, कैलकुलेशन आपका काम है, आप खुद से कर लेंगे, कर सकते हैं। चलिए अब आपका एक और होमवर्क है, आप होमवर्क देख लें। ये आपको होमवर्क बिल्कुल सेम टाइप का होमवर्क है, बस वैल्यूज इधर उधर थोड़ी सी कर दी गई हैं, आप कैलकुलेट करेंगे। आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है 0.93 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने फैराडेस फर्स्ट लॉ सीख लिया, नेक्स्ट क्लास में फैराडेस सेकेंड लॉ सीखेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।